रामलीला सोसाइटी रजिस्टर्ड परेड कानपुर की ओर से आप सभी लोगों का अभिनंदन है। आज हमारे बीच में पूज्य दीदी मंदाकिनी जी, पूज्य परम शिष्या स्वर्गीय पंडित रामकिंकर जी की उपस्थित हैं। अनेकों वर्षों से उनका सान्निध्य हमें प्राप्त होता रहा है और श्राद्ध के इन दिनों में उनकी कथा को हम लोग सुनकर भगवान के बारे में जानकर अपने आप को कृतार्थ करते रहे हैं। पूज्य दीदी का हार्दिक स्वागत है। जैसा आपने देखा दीदी आई तो कानपुर का मौसम भी सुहाना हो गया, यद्यप उसके कारण हमारी उपस्थिति जरूर कम हुई है, लेकिन कल से वो भी ठीक हो जाएगी और ये सुहाना मौसम हमारा बना रहे, कानपुर में इसी प्रकार से सारे काम निर्वध रूप से चलते रहें, इसी प्रभु से कामना है। आप सबके परिवारों में प्रभु राम की कृपा बनी रहे, आशीष प्राप्त होता रहे और अब रामलीला के सारे कार्यक्रम हमारे शुरू हो गए हैं आज से, और इस दशहरे पर भी सारे कार्यक्रम अच्छे रूप में संपन्न हो जाएं, भरत मिलाप का कार्यक्रम अच्छे रूप में संपन्न हो जाए, ऐसी प्रभु से कामना है। आप सभी कानपुर वासियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। मैं अपने पत्रकार बंधुओं का और यहाँ पर जो टीवी के हमारे साथी हैं जो इसका लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ। संस्कार पर ये लाइव रिले जा रहा है और उन सबका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि जो स्थितियाँ हो गई हैं अभी भी लोग घर से निकलने में थोड़ा डर रहे हैं, तो उनको अपने घर पर बैठ के भी दीदी के इस प्रवचन को सुनने का सानिध्य प्राप्त होगा। मुझे विश्वास है कि दीदी का प्रभु राम का आशीर्वाद रामलीला सोसाइटी पर, सदस्यों पर और आप सभी लोगों पर और कानपुर वासियों पर हमेशा बना रहेगा। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, जय श्री राम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम ठीक है। घड़ी सामने बोली
श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गंगा मैया की जय। संख्या कम है इसका मतलब नहीं कि आपके उत्साह में किसी भी प्रकार की कमी होनी चाहिए। ऐसे चैतन्य श्रोता कानपुर के यहाँ जो बैठे हुए सुधी साधक है, दोनों हाथ उठाकर उत्साह पूर्वक प्रभु के मंगलमय नाम का जय घोष करें। बोलिए गजानन गणेश जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए इसी उत्साह के साथ भगवान नाम संकीर्तन के द्वारा अपनी वाणी को पवित्र करने के उद्देश्य से इस संपूर्ण वातावरण को राममय बनाए श्रद्धा भक्ति प्रीति पूर्वक करतल ध्वनि के साथ आप लोग सब भगवान नाम संकीर्तन में संवेद स्वर में सम्मिलित हो। श्री राम जय राम। Jai Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram बोलो नाम संकीर्तन के पश्चात और प्रभु की रसमयी दिव्य कथा प्रारंभ करने से पूर्व आइए हम लोग सब कथा के अग्रिम और अत्यंत महत्वपूर्ण सोपान में प्रवेश करें। सामूहिक रूप से हम लोग सब मिलकर प्रभु का आवाहन करेंगे और प्रभु का मंगलाचरण करते हुए
आंखें मूंद कर ध्यानस्थ होते हुए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु के कथा रूपी श्री विग्रह के अवतरण के क्षणों में हम लोग सब थोड़ी देर के लिए नेत्र मूंद करके प्रभु के चरणों में अनुनय विनय सामूहिक रूप से करेंगे। कथा श्रवण करने के लिए जैसी पवित्र और प्रशांत अंतरंग मनस्थिति और बहिरंग परिस्थिति और वातावरण चाहिए, वह आदर्श तो केवल प्रभु की कृपा के द्वारा ही सृजित हो सकता है। और इसलिए यहां समुपस्थित प्रत्येक श्रोता महानुभाव के चरणों में मेरी करबद्ध प्रार्थना है, जब अपना अमूल्य समय निकाल कर आप यहां सब आए हैं, थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करके इस बहिरंग भौतिक स्थूल जगत में फैली हुई अपनी समस्त बहिर्मुखी वृत्तियां, घर परिवार व्यापार संसार यत्र तत्र सर्वत्र से सभी वृत्तियों को समेट कर अंतर्मुख होने का प्रयास करें और आंखें बंद करके यही अनुभव करें कि इस समय स्थूल शरीर से भले हम कानपुर नगर में बैठे हुए हैं, पर भाव शरीर से मन शरीर से यही अनुभव करें कि हम और आप सभी प्रभु के दिव्य धाम में श्री राघवेंद्र सरकार के राज दरबार में भाव शरीर से बैठे हुए प्रभु के ही दरबार में उनकी पावन सन्निधि में ही ये राम कथा का दिव्य अनुष्ठान संपन्न हो रहा है। प्रभु की अत्यंत सम्मोहक चित्ताकर्षक झांकी हमारे समक्ष है। विशाल कल्प वृक्ष के नीचे अपने रत्न जटित मणिमयी स्वर्णिम सिंहासन पर श्री युगल सरकार प्रकाशमान हो रहे, एक दिव्य प्रकाश प्रभु के श्री विग्रह से निकलकर सारे वातावरण में अनुस्यूत हो रहा है। प्रभु और श्री किशोरी जी के साथ उनके सभी पार्षदों का दर्शन हो रहा है। जब हमारा ध्यान प्रभु के नेत्रों की ओर जाता है, अपूर्व स्नेह असीम वात्सल्य का दर्शन हो रहा है और उस ममता भरी करुणा पूरी दृष्टि से प्रभु और श्री किशोरी जी हम सब की ओर देख रहे हैं, सब पर कृपा की वृष्टि कर रहे हैं। और उस समीय वृष्टि में हम सब भीग रहे हैं, हमारा अंतःकरण रस से सराबोर। 33 कोटि देवी देवता वृंद का आगमन आज प्रभु के इस दिव्य दरबार में हुआ है। सारे संत ऋषि मुनि महात्मा वृंद गुरुजन आचार्य वृंद भी आज यहाँ पर उपस्थित है। स्वयं प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के भी दर्शन हो रहे हैं। प्रभु के ठीक सामने बैठकर अपलक नेत्रों से अपने इष्ट प्रभु को निहारते हुए भाव विभोर हो रहे। व्यास आसन पर विराजमान हो रहे हैं। मानस सम्राट युग तुलसी रामायण स्वरूप परम वंदनीय अर्चनी श्री सद्गुरुदेव भगवान, एक दिव्य आभा का दर्शन परम पूज्य महाराज श्री के मुखमंडल पर, अपनी अत्यंत सहज सरल अनूठी शैली में प्रभु के कर्ण कुहरों में राम कथामृत का पीयूष पान करवाते हुए परम पूज्य महाराज श्री स्वयं सहजानंद अनुभव कर रहे हैं। और कथा श्रवण करके सारा श्रोता समाज भी
उस दिव्य रस सरिता में अवगाहन करते हुए धन्यता का बोध कर मंचासीन दिखाई देने वाला प्रत्यक्ष वक्ता तो केवल एक अत्यंत लघु यंत्र मात्र स्वयं प्रभु श्रोता और वक्ता दोनों को निमित्त बनाकर सभी श्रोताओं के हृदय में विराजमान होकर कथा श्रवण करने की परम पवित्र एवं सात्विक श्रद्धा जिज्ञासा प्रदान कर रहे और वक्ता को अपना यंत्र बनाकर वे ही प्रभु अपने अत्यंत गूढ़ और गंभीर साधना के सूत्र रहस्य उद्घाटित कर रहे। आइए हम लोग सब मिलकर प्रभु के चरणों में विनत भाव से प्रार्थना करें। हे प्रभु, आपकी असीम अनुकंपा से पुनः ये सुअवसर आज हमारे जीवन में प्रदत्त हुआ है, पर जो आपकी कथा हम श्रवण कर रहे हैं उसे हम समझ सके, हृदयंगम कर सके और आत्मसात करके जीवन में उसे चरितार्थ कर सके। यह कथा हमारी जीवनी शक्ति बन जाए प्रभु, हमारे संपूर्ण जीवन का रूपांतरण हो, हमारी वाणी में, विचारों में, भावनाओं में, दृष्टिकोण में, आचरण में, स्वभाव में परिवर्तन आए, हमारे घर परिवार में, समाज में, हमारे राष्ट्र में, इस अखिल विश्व में प्रभु आपकी कृपा से सुख और शांति की स्थापना हो। कथा में आने वाली समस्त विघ्न बाधाएं, संकट और अवरोध, चाहे वे हमारे अंतर जगत के हो, बाह्य जगत के हो, प्रारब्ध जन्य हो, हे प्रभु आपकी कृपा से ये सारी विघ्न बाधाएं समूल रूप से नष्ट हो जाए और जिस उद्देश्य से आपने हमें ये मनुष्य शरीर प्रदान किया है, इसी देह में रहते हुए जीवन के चरम और परम लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें। यही हम लोग सब मिलकर वंदना के क्षणों में आंखें मूंद करके ध्यानस्थ होकर प्रभु के इस अलौकिक छवि का साक्षात्कार अपने अंतर हृदय में प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। प्रभु से जुड़ा हुआ परमानंद, परम शांति का स्पंदन का बोध अपने हृदय में प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। मन वचन कर्म रघुनायक
शरण कमल बंदाओ सा बनाए राजीव नयन धरे धनुषाय भगत विपति भंजन सुखदाय प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणा गरुड़ महाज्ञानी गुणराज हरि सेवक अति निकट निवास श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार वर्णौ रघुवर विमल यश जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देउ मो हरहु कलेश बिकाउ सियावर रामचंद्र की जय शरणम मंत्रमूलम गुरोर्वाक्यम पूजा मूलं गुरोर्पदं ध्यान मूलं गुरोर्मूर्ति मोक्ष मूलं गुरोर्कृपा हरिः ओम श्री गुरुभ्यो शांति धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा हर्षि चले मुनि बर के साथा आश्रम एक दीख मग माही खग मृग जीव जंतु तह नाही पूछा मुनि सिला प्रभु देखी सकल कथा मुनि कहा विसेखी गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहुँ रघुबीर
प्रभु के मंगलमय दिव्य नाम स्मरण के साथ। सर्वप्रथम मैं अपने परमाराध्य प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय अर्चनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपामयी मंगलमयी तेजोमयी प्रकाशमयी आनंदमयी रसमयी दिव्य उपस्थिति को यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करती हूँ और श्री सद्गुरुदेव भगवान के परम पवित्र पुनीत पाद पद्मों में अपनी प्रणति अर्पित करते हुए कोटिशः नमन साष्टांग दंडवत प्रणाम करती और यही गुरु चरणारविंद में अंतर हृदय से प्रार्थना करती हूँ। आप ही का एक अत्यंत लघु यंत्र बनकर आप ही का संदेश सभी भक्तों के समक्ष रख सकूं ऐसी बल बुद्धि विद्या और विवेक देने की कृपा करें। गुरु चरणों से अनंत हृदयाशीष कोटिशः मंगलाशीष प्राप्त करके इस पवित्र ज्ञान यज्ञ 9 दिवसीय वार्षिक अनुष्ठान में समुपस्थित सभी रामानुरागी कथारसिक श्रद्धालु जिज्ञासु प्रबुद्ध एवं सुधी श्रोता महानुभाव वंदनी मातृशक्ति सुदूर से पधारे वे आगंतुक श्रोतावृंद सभी विशिष्ट विभूतियां जो यहाँ पर समुपस्थित है नामी एवं अनामी सबका नाम ले पाना संभव नहीं है। अग्रिम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक आप सभी श्रोता मौसम के इस विपर्यय में जहां पर इंद्रदेव के द्वारा व्यवधान उपस्थित हुआ है तो उस विपर्यय में भी कथा की अमृत वर्षा में भीगने के लिए आप लोग सब अपना अमूल्य समय निकाल करके आए तो आप सभी मेरे लिए समान रूप से विशिष्ट है। हृदय से मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत अभिवादन करती हूँ। संस्कार चैनल के माध्यम से सुदूर बैठे हुए इस कथा का जो श्रवण लाभ ले रहे हैं उनके प्रति भी अभिवादन। रामलीला सोसाइटी के सभी सम्माननीय पदाधिकारी वृंद अध्यक्ष आदरणीय श्री बहन मोहन जी आज यहाँ पर उपस्थित है और इस समिति के प्रधान सेवक के रूप में श्री कमल किशोर जी टिल्लू भैया जामवान जी के रूप में हमारे मुरली भजोरिया जी राकेश भैया राजीव भैया श्री राजीव जी अन्य सभी महानुभाव किसी का नाम छूट ही जाएगा तो आप सबके चरणों में बार बार नमन वंदन और प्रणाम करते हैं। भगवान श्री सीता राम जी की अहेतु की अनुकंपा से गंगा मैया का आगे विशेष अनुग्रह है। 2 वर्षों के अंतराल के पश्चात जो एक वैश्विक विभीषिका थी जिसके कारण ये व्यवधान उपस्थित हो गया था पर इस पवित्र श्राद्ध पक्ष में आप जानते हैं कि ये अनुष्ठान जो संपन्न हो रहा है निमित्तत्व के रूप में प्रभु ने ये गौरव रामलीला सोसाइटी को प्रदान किया है। ये कानपुर नगर का प्रतिष्ठा आयोजन माना जाता है जहां इतनी पुरानी संस्था 146वां वर्ष है निरंतर प्रतिवर्ष रामलीला का भी मंचन हो रहा है और उसके साथ
सभी रामानुरागी जिज्ञासुओं के लिए राम कथा का भी 9 दिवसीय आयोजन भी 5 दशक से निरंतर अबाधित रूप से चल रहा है। तो निश्चित रूप से रामलीला सोसाइटी के सभी पदाधिकारी वृंद, उनका यह अथक प्रयास है और कृतज्ञता के रूप में हम सभी करतल ध्वनि के साथ उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। कृपया तालियों में कंजूसी ना हो। तो प्रभु की ये अहेतु की अनुकंपा है और केवल प्रत्यक्ष श्रोताओं को ही नहीं, इस कथा में हमें लाभ मिलता है कि हमारे परोक्ष श्रोता सभी पितरों का भी स्मरण मैं प्रतिवर्ष करती हूं। और क्योंकि इस राम कथा के मूल में हमारे आदरणीय साकेतवासी बाबूजी श्री रूप किशोर जी गर्ग, उनकी उपस्थिति यहाँ पर भी है, तो सभी इन महानुभाव जो देवंगत हो गए उनका भी स्मरण करते हुए, सबके प्रति नमन व्यक्त करते हुए आइए। जिस उद्देश्य से आप लोग सब यहाँ पर अपना अमूल्य समय निकाल करके पधारे हैं, इस प्रसंग में हम लोग प्रवेश करें। जो चौपाइयां अभी आपके समक्ष मैंने पढ़ी है, क्योंकि आप लोग सभी शुद्धि श्रोता है और अनवरत इतने वर्षों से कथा श्रवण करते आ रहे हैं, तो समझ गए होंगे कि ये मानस के बाल कांड का प्रसंग है। और यद्यपि ये प्रसंग अत्यंत संक्षिप्त है, छोटा सा प्रसंग है, पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रसंग को बहुत अधिक महत्व प्रदान किया है। पूरे मानस में आप देखेंगे, आने वाले दिनों में 9 दिनों में हम लोग सब मानस की संपूर्ण यात्रा करते हुए देखेंगे कि ऐसा लगता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी के बहुत हृदय के निकट है ये प्रसंग, जिसे अहिल्या उद्धार के रूप में भी जाना जाता है। तो कथानक जो है वो तो आप जानते हैं कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के द्वारा महर्षि विश्वामित्र जी के यज्ञ को संरक्षण प्राप्त होता है। बाधा पहुंचाने वाले राक्षसों का वध भगवान श्री राम के द्वारा हो जाता है, जिस उद्देश्य से विश्वामित्र जी अयोध्या से भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को महाराज दशरथ से याचना करके ले आए थे। उसकी पूर्ति होने के पश्चात महर्षि के आश्रम में, शांताश्रम में, वन में प्रभु सत्संग लाभ ले रहे हैं। उसी बीच जनकपुर से दूतों का आगमन होता है, निमंत्रण पत्र लेकर के आए हैं और ये निमंत्रण महर्षि विश्वामित्र जी के लिए था। महाराज जनक के यहां मिथिला में भी एक यज्ञ का समारंभ होने जा रहा है और इसलिए विश्वामित्र जी को निमंत्रण है कि वे अपने सारे शिष्य मंडली के साथ जनकपुर मिथिला पधारे। जब विश्वामित्र जी ने यह निमंत्रण पढ़ा, यद्यपि निमंत्रण भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के लिए नहीं था, और स्वाभाविक भी है क्योंकि महाराज जनक को यह ज्ञात भी नहीं था कि श्री रामभद्र वन में निवास कर रहे हैं, पर गुरु के रूप में विश्वामित्र जी श्री राम से अनुरोध करते हैं
कि तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए, क्योंकि एक महापुरुष के द्वारा यज्ञ का आयोजन जनकपुर में होना चाह रहा है, होने जा रहा है, और यज्ञ में निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। देखिए, ये भी जो राम कथा का 9 दिवसीय अनुष्ठान है, हम लोग कहते हैं ये मानस ज्ञान यज्ञ है, तो ये सबके लिए सुलभ है, जो भी आना चाहे। यहाँ किसी भी प्रकार का आपसे शुल्क तो नहीं लिया जाता, एक यज्ञ है, और ये समिति इस यज्ञ भाव से, यज्ञ वृत्ति से ही ये प्रतिवर्ष आयोजन कर रही है। तो विश्वामित्र जी श्री राम से अनुरोध कर रहे हैं कि रामभद्र, तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए, और संसार में जहां जहां भी यज्ञ होगा, रामभद्र तुम्हारा अवतरण ही यज्ञ की रक्षा के लिए हुआ है, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। अब भगवान श्री राम बड़ी प्रसन्नता पूर्वक, हर्ष पूर्वक गुरुदेव की आज्ञा को शिरोधारी श्रद्धा पूर्वक करते हैं, और यात्रा पुनः प्रारंभ होती है, और मार्ग में एक विशाल आश्रम दिखाई देता है। अब इतना विशाल आश्रम के देख करके लगता है कि पता नहीं उसमें कितने मुनि विद्यार्थी निवास कर रहे, पर आश्चर्य होता है जो दृश्य सामने उपस्थित होता है कि आश्रम बिल्कुल जनशून्य था, वीरान पड़ा हुआ था, और मनुष्यों की तो बात ही क्या, वहां पशु पक्षी का भी अभाव था। और इस दृश्य को देख करके भगवान श्री राम एक अल्पज्ञ की भांति गुरु विश्वामित्र से के समक्ष जिज्ञासा व्यक्त करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहनाही। अब इस आश्रम के मध्य में एक विशाल पत्थर प्रस्तर खंड पड़ा हुआ है, और उसकी आकृति एक नारी की आकृति है। और तब प्रभु आश्चर्य से जिज्ञासा व्यक्त करते हैं गुरुदेव के समक्ष कि भगवान, ये कैसा आश्रम है, और ये जो नारी की आकृति की शिला है, उसका क्या स्वरूप है? और तब मानस में तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसका विस्तार नहीं किया है, केवल एक ही वाक्य में कहा, सकल कथा मुनि कहा विसेखी। अहिल्या की सारी कथा विश्वामित्र जी ने श्री रामभद्र को सुना दी कि महर्षि गौतम की ये पत्नी है, अभिशापिता है, पति के द्वारा शाप ग्रस्ता है, परित्यक्ता है, और सबने उसका परित्याग कर दिया है, वह अपनी चेतना खो बैठी है, जड़वत हो गई है, पाषाणी हो गई है, और अनगिनत वर्षों से वो तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। यद्यपि वो बोल नहीं सकती, विश्वामित्र जी कह रहे, पर उनके हृदय के अंतर्भाव का स्पंदन मुझे प्राप्त हो रहा है। राघव, तुम्हारे चरणों के संस्पर्श से तुम उसे शाप मुक्त कर दो। और प्रभु की जो प्रतिक्रिया थी, मर्यादा के लिए तो परम पूज्य, हमारे प्रभु तो परम सजग रहते हैं, क्योंकि ये महर्षि की पत्नी है, ऋषि पत्नी है, उनको चरण स्पर्श कैसे करे, पर क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा है तो प्रभु ने अपने चरण का स्पर्श कराया, और वह प्रस्तर नारी की आकृति एक अद्भुत चमत्कार
ऐसा लगता है घटित हो गया। वह उसकी चेतना लौट आई और नारी के रूप में एक दिव्य तेजोमय नारी के रूप में वह परिवर्तित हो गई और खड़ी हो करके गदगद आंखों से प्रेमाश्रु गिर रहा है और प्रभु की वह स्तुति भावपूर्ण स्तुति करने लगती है। यह छोटा सा प्रसंग है, कथानक जो नहीं जानते हैं विशेष रूप से हमारी नई पीढ़ी को अवगत करने के लिए, क्योंकि देश विदेश में लोग श्रवण कर रहे हैं। परम पूज्य महाराज श्री कहते कि ये कथा अनेक संदर्भों में अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम सब के लिए परम, क्योंकि प्रासंगिक है वर्तमान संदर्भ में। परम पूज्य महाराज श्री ने इस अहिल्या की कथा को अनेक दृष्टियों से देखा, समझा, उसका निरूपण किया है। क्योंकि आजकल तो जो हम देखते हैं, लोग चमत्कारों से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। जहां पर दरबार लगते हैं और चमत्कार घटित होते हैं, वहां बहुत विशाल संख्या में भीड़ लोगों की एकत्रित हो जाती है। यद्यपि हमारे भगवान श्री राम की जो लीला है, त्रेता युग में प्रभु ने बड़े से बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया, पर प्रभु की सारी लीलाएं जो है वो बिल्कुल अनुकरणीय लीला इसलिए है कि प्रभु ने चमत्कार का प्रयोग पूरी लीला में कभी भी नहीं किया, केवल दो अवसरों पे किया है। और उसमें ये पहला अवसर है कि जहां हम प्रभु के ऐश्वर्य का, श्री राघवेंद्र सरकार के ऐश्वर्य का दर्शन करते हैं कि एक पत्थर भी नारी के रूप में परिणित हो जाता है। परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि धार्मिक दृष्टि से भी अगर हम देखें तो भी इस प्रसंग में हमें बहुत गंभीर सूत्र मिलते हैं, क्योंकि ये अहिल्या जो अत्यंत धर्म परायण थी, परम पतिव्रता थी, उसके जीवन में ऐसी घटना जो घटित हो गई कि वो अभिशापित हो गई, इसका क्या तात्पर्य है? और गौतम ऋषि ने जो उनके उनको श्राप दिया, क्या ये जो दंड उनको दिया, क्या ये न्याय संगत है? क्या कुछ अधिक कठोरता उनके द्वारा हुई ऐसा नहीं लगता? अगर सामाजिक दृष्टि से भी देखें हम वर्तमान संदर्भ में, तो पति पत्नी के रिश्ते का जो आदर्श रूप है, क्योंकि आजकल ये परंपरा कुछ बढ़ती ही जा रही है, गृहस्थ आश्रम इतना संकट में आ चुका है, विवाह की परंपरा भी नष्ट हो रही है और अनेक घरों में देख रहे हैं कि ये वैवाहिक संबंध भी खंडित हो रहे हैं। तो सामाजिक दृष्टि से भी ये अहिल्या का प्रसंग बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम समझने का प्रयास करें, परम पूज्य हमारे गुरुदेव युग तुलसी महाराज श्री ने बड़ी सूक्ष्मता से मानव मन को उस गहराइयों में जो है देखा और समझाया है। तो धर्म की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से अगर देखें कि अहिल्या जो पूरी तरह से असमर्थ है, वह नवधा भक्ति में से किसी भी प्रकार की भक्ति करने का उसमें सामर्थ्य नहीं है, पर ऐसी असमर्थ अहिल्या को भी भगवान की प्राप्ति हो गई तो कैसे हो गई? तो भक्ति की दृष्टि से भी बड़ा मार्मिक प्रसंग है, शरणागति की दृष्टि से देखें तो भी
बहुत उपादेय है। तो ये प्रसंग हम सब के लिए बड़ा उपादेय है, और इसलिए यद्यपि संक्षिप्त है पर बहुत सारगर्भित है। आप लोग सभी कानपुर के श्रोता है, क्योंकि कथा का संबंध, सीधा संबंध कान से है, और मुझे आपके सुधी श्रोता होने में कोई संदेह नहीं है। पर फिर भी प्रारंभ में ही मैं आप लोगों को बहुत विनम्रता से प्रणाम करते हुए ये निवेदन कर दूं, केवल शरीर से आपकी उपस्थिति ना हो इस कथा प्रसंग में, हम लोग अगर अपने देह इंद्रियों के साथ मन को भी लगाए, उसको पिरोने का प्रयास करें, उसके साथ बुद्धि का भी समावेश प्रसंग में करें, और अगर चित्त में समाहित होकर कथा श्रवण करेंगे, तो मुझे विश्वास है कि आपको विशेष रसानुभूति होगी। यद्यपि परम पूज्य महाराज श्री का चिंतन अत्यंत गूढ़ और गंभीर है, पर मैं प्रयास करूंगी कि जितना सरल, जितना सरस, जितना बोधगम्य हो कर सकूं, पर आपका सहयोग भी प्रार्थना है। तो ये जो प्रसंग है, परम पूज्य महाराज श्री हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं कि विश्वामित्र जी के साथ भगवान श्री राम जब अयोध्या से निकलते हैं, यात्रा प्रारंभ होती है, और उसकी जो अंतिम परिणति है, इस यात्रा की परिणति होती है जनकपुर में, जहां पर भगवान श्री राम और श्री सीता जी के विवाह का समारंभ होता है। तो इस प्रसंग के ओर छोर में प्रारंभ में है अहिल्या, और दूसरी छोर में है भगवती सीता। यद्यपि ये आप सब जानते हैं कि प्रभु जो जनकपुर जा रहे हैं, वो विवाह में सम्मिलित होने के लिए नहीं जा रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही स्पष्ट चौपाइयों में ये इंगित कर दिया है कि निमंत्रण जब आया है तो शब्द है धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा। तो अयोध्या से भी जब प्रभु की यात्रा प्रारंभ होती है, विश्वामित्र जी जो वन में रह करके यज्ञ कर रहे हैं और उनका यज्ञ पूर्ण नहीं हो पा रहा है, और तब क्योंकि उन्होंने समाधि लगा करके देखा उपाय क्या है, राक्षस आकर के विघ्न बाधा पहुंचा रहे, और तब गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरि ही न निश्चर पापी। प्रभु के बिना इन राक्षसों की समस्या का समाधान संभव नहीं है, और तब वे बन से महाराज दशरथ के महल में पधारते हैं। यद्यपि महाराज दशरथ अपने पुत्रों को देने में बहुत संकोच, पुत्र मोह, अपने पुत्र को देना कोई सरल काम है क्या, पर गुरु वशिष्ठ की भूमिका सामने आती है और विश्वामित्र जी को प्रेरित करते हैं, और तब दोनों पुत्रों को लेकर के विश्वामित्र जी बन की यात्रा करते हैं। अब आप देखिए कि इस यात्रा के मैंने कहा दो पड़ाव है, पहला क्रम है अयोध्या से लेके शांताश्रम, और दूसरा पड़ाव शांताश्रम से लेकर के मिथिला में। दो पड़ाव है, समझ में आ रहा है ना आपको सबको। अब इस यात्रा क्रम में दोनों ही यात्रा में एक एक नारी पात्र सामने आते हैं। जब प्रभु वन में यात्रा प्रारंभ करते हैं तो चले जात मुनि दीन दिखाई, प्रभु जा रहे थे गुरुदेव के संग, और जैसे ही वन में पहुंचे तो देखा
कि एक भयानक राक्षसी और क्रोध से क्रूर वृत्ति से प्रभु की ओर देख रही थी। और विश्वामित्र जी ने संकेत श्री राम भद्र से किया, क्योंकि यही जो है यज्ञ की विरोधी, यज्ञ को नष्ट करने वाली वो ताड़का और उनके दोनों पुत्र मारीच और सुबाहु, जहां उन्होंने देखा मुनि जी को आते हुए तो क्रोध में भर कर दौड़ करके वहां जब प्रभु की ओर दौड़ी, गुरुदेव ने तुरंत इंगित किया और तब जैसे गुरुदेव ने आदेश दिया, प्रभु ने एक ही बाण प्राण हर लिया, ताड़का का वध कर दिया। वो तीनों, इस परिवार के तीनों के साथ प्रभु ने तीन तरह से व्यवहार किया है। ताड़का का तो एक बाण से वध कर दिया, उनके दो पुत्र मारीच और सुबाहु भी साथ में हैं, पर तीनों का वध नहीं किया है प्रभु ने। सुबाहु को पावकास्त्र को से जला दिया और मारीच को बिना फल के बाण से 100 योजन दूर फेंक दिया समुद्र के तट पर। कथा आप जानते हैं और उसका तात्पर्य मैं आपके समक्ष रखूंगी। तो प्रारंभ में मैंने कहा ये पहली नारी पात्र आती है जो क्रोध से भरी हुई। प्रभु ने गुरुदेव के आदेश से उसकी समस्या का समाधान किया, ताड़का का संहार कर दिया। अब दूसरा क्रम पड़ाव, जब यात्रा फिर से एक पड़ाव के पश्चात यात्रा प्रारंभ होती है तो ये दूसरी नारी पात्र सामने आती है। यद्यपि वह चैतन्य रूप में नहीं है पर फिर से गुरु विश्वामित्र की भूमिका है। प्रभु से कहते हैं कि राघवेंद्र आर्य पुत्र, तुम इसका उद्धार करो। और गुरुदेव के आदेश के अनुसार ताड़का का उद्धार हो जाता है। तो ये जो प्रसंग है परम पूज्य महाराज श्री, इस प्रसंग के अंतराल में जब वे देखते हैं तो हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं कि विश्वामित्र जी जो यज्ञ कर रहे हैं, ये देखिए दोनों महापुरुष यज्ञ कर रहे हैं और आज भी हमारे भारतवर्ष में अन्यत्र भी यज्ञ संपन्न होते हैं। कानपुर में भी बड़े यज्ञ हो रहे, शास्त्रों में अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन पढ़ने को मिलता है। कहीं विष्णु याग हो रहा है तो कहीं रुद्र यज्ञ हो रहा है, कहीं चंडी यज्ञ हो रहा है, कहीं हरिहरात्मक यज्ञ हो रहा है, अनेक प्रकार के यज्ञ होते ही रहते हैं। तो विश्वामित्र जी जो यज्ञ कर रहे हैं वो कौन सा यज्ञ है? और महाराज जनक जो यज्ञ कर रहे हैं उसका तो नाम गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया है, पर उसका वर्णन कहीं शास्त्र में उसका उल्लेख पढ़ने को नहीं मिला। वो तो धनुष यज्ञ का नाम दिया है, पर महर्षि विश्वामित्र जी कौन सा यज्ञ कर रहे हैं जो पूर्ण नहीं हो पा रहा है? क्योंकि विश्वामित्र जी कोई साधारण महापुरुष नहीं है। आप लोग सभी कथा श्रवण करते ही रहते हैं कि विश्वामित्र जी का जो व्यक्तित्व है, जैसे पुराणों में पढ़ने को मिलता है, ऐसा अद्भुत तेजस्वी तपस्वी ब्रह्मर्षि पद जिसको प्राप्त हुआ हो, जिनके जीवन में अनेकानेक शक्तियां शक्ति संपन्न हो, जिस महापुरुष में उनके समान पुरुषार्थी महात्मा इस पूरे विश्व में नहीं हुआ, ऐसा पुरुषार्थी महापुरुष महात्मा एक यज्ञ कर रहा है और वो पूर्ण नहीं हो पा रहा है, तो आश्चर्य होता है कि नहीं कि ऐसा कैसा है कि जिसके पास इतनी शक्तियां सिद्धियां संपन्न हो। तो विश्वामित्र जी के व्यक्तित्व की ओर जब हम देखते हैं, बड़ा विरोधाभासी व्यक्तित्व दिखाई देता है कि यद्यपि
अनेक सिद्धि संपन्न महात्मा है, पर प्रसिद्ध होते हुए भी ये महापुरुष के लिए जो घटनाएं पढ़ते हैं तो लगता है बड़े स्वभाव से अत्यधिक क्रोधी भी है। हरिश्चंद्र की कथा आप लोगों ने सुनी है, कितने कठोर परीक्षक के रूप में विश्वामित्र जी की भूमिका सामने आती है कि स्वप्न में भी अगर तुमने दान दिया है तो चाहे किसी भी कसौटी पे तुम्हें ये कंगाल हो जाओ पर तुम्हें दान देना होगा। तो एक ओर तो उनका क्रोध और दूसरी ओर ऐसी भी कथा सुनने को मिलती है जो बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देती है कि वह एक अप्सरा मेनका के प्रति उनके हृदय में जो सम्मोहन, ऐसा आकर्षण उनके हृदय में हुआ कि उनके द्वारा एक पुत्री का भी जन्म, शकुंतला नाम की कन्या को भी जन्म दिया। तो एक और तो उनके व्यक्तित्व की ऊंचाइयां, देखिए जो गायत्री मंत्र का जब हम करते हैं वो गायत्री मंत्र के मंत्र दृष्टा ऋषि है विश्वामित्र जी महाराज, और जहां पर उनकी सामर्थ्य की ओर देखते हैं कि जिस महापुरुष ने अपने पुरुषार्थ से मृत्यु लोक के नियम बदल दिए हो, क्योंकि यही तो मान्यता है कि व्यक्ति जिस वर्ल्ड में जन्म लेता है, विश्वामित्र जी का प्रारंभ आप जानते हैं कि वे राजर्षि के रूप में, एक राजा के रूप में, क्षत्रिय कुल में उनका जन्म हुआ था, पर उन्होंने अपनी साधना और तपस्या के द्वारा एक ही जन्म में अपनी वर्ण को बदल दिया कि साक्षात ब्रह्मा जी को प्रकट हो करके उन्हें ब्रह्मर्षि पद प्रदान करना पड़ा। तो आश्चर्य होता है कि इतना प्रसिद्ध महात्मा, एक ओर उनके जीवन में ऐसी सिद्धियां और कैसा अदम्य पुरुषार्थ कि वो नए स्वर्ग की भी स्थापना करने की सामर्थ्य रखते हैं, वो सारी कथाएं आप जानते हैं। और दूसरी ओर ये भी प्रसंग आता है कि अगर वशिष्ठ जी से उनका विरोध हो गया तो क्रोध में भर करके वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों का श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। अगर आप लोग कथाएं ध्यान से सुनते हैं आजकल, क्योंकि मनोरंजन की ही परंपरा हो गई है तो कथाएं कम और उत्सव ज्यादा होते, पर अगर कथाएं जो ये पुराणों में वर्णित है उनके अंतराल में बैठ करके हम समझने का प्रयास करें तो विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी से उन्होंने विरोध मान लिया और उनके 100 पुत्रों को जला दिया श्राप दे करके। तो आश्चर्य होता है कि ये जो उनका व्यक्तित्व है विश्वामित्र जी का, एक ओर ऐसी ऊंचाइयां और दूसरी ओर उनके अंतःकरण में ये जो विकार दिखाई दे रहा है, ये ईर्ष्या जैसी वृत्ति, प्रतिस्पर्धा, लोभ, कामना जैसी वृत्ति, अहंकार जैसी वृत्ति दिखाई दे रहा है, इसका क्या तात्पर्य हुआ? कृपया बड़ी गंभीरता से इस प्रसंग का श्रवण करें और मैं पुनः पुनः अनुरोध करती हूँ कि गलत अर्थ बिल्कुल ना ले। कथा सुनने के बाद आप घर जाके कहे कि विश्वामित्र जी के व्यक्तित्व में अगर इतने विकार है तो हमारे जीवन में तो क्या बुराई है। ये कथा का उद्देश्य नहीं है, नहीं तो कथा ना सुनने आए वो ज्यादा अच्छा है, पर अगर कथा श्रवण कर रहे हैं तो उसका सही मर्म गोस्वामी तुलसीदास जी ने, देखिए ये बिल्ली जो पधारी है ये बड़ा शगुन है, आप घबरा मत जाइएगा, ये भी कथा श्रवण करने आई। मैंने कहा पितरों का भी स्वागत है और इन्होंने भी अपना शुभ आशीर्वाद दे दिया है, आप अपना ध्यान कथा में ही एकाग्र रखें।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रसंग की बहुत ही उच्च कोटि की व्याख्या की है। और किसी से गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूछा, महाराज आप ये सब कथाओं का वर्णन कर रहे हैं, ये त्रेता युग की लीला, भगवान श्री राम प्रकट हुए और ये सारी लीलाएं घटना घटित हुई, हम लोग तो इस कलयुग में रह रहे हैं, हमारे और भगवान के बीच में दो युगों की दूरी है, हमारे जीवन की अपने निज दुख सुख है, अपनी समस्याएं तनाव और अशांति है, ये त्रेता युग की कथा सुनकर के हमें क्या लाभ है भाई, हमारे जीवन की समस्या का हमें समाधान चाहिए, हम क्यों कथा सुने। ये आजकल नई पीढ़ी के मन में भी ये प्रश्न आता है कि क्या आवश्यकता है, हम कथा में क्यों जाए। पर गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु से निवेदन करते हैं कि प्रभु आज तो हमें आपकी और भी आवश्यकता है। क्यों विशेष आवश्यकता है? क्योंकि ये जितनी भी लीलाएं आपके द्वारा संपन्न हुई त्रेता युग में, वे सारी लीलाएं आज भी हमारे जीवन में घटित हो रही है। उनका तात्पर्य क्या है कि भगवान जब शाश्वत है, परम सत्य है, त्रिकाल सत्य है, वो भूतकाल में भी थे, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेंगे, जब प्रभु शाश्वत है तो उनकी लीलाएं भी भूतकालीन नहीं हो सकती, उनकी लीलाएं भी शाश्वत ही होगी, निरंतर घटित होगी। और इसीलिए उन्होंने हमें, हम सभी लोगों को, इस कलयुग निवासियों को भगवान की कथा सुनने की, श्रवण करने की, देखने की एक विशेष दृष्टि प्रदान करनी। यही रामचरितमानस का वैशिष्ट्य है। भगवान राम के चरित्र को केंद्र में रखकर तो विपुल साहित्य मिलेगा, पर इन सारे साहित्यों की श्रृंखला में रामचरितमानस की विशेषता क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी चाहते यही है कि हम लोग जब भगवान की कथाएं, लीलाओं का श्रवण करें तो केवल उसे भूतकाल की, त्रेता युग की एक कहानी, एक घटना के रूप में, एक इतिहास के रूप में कदापि श्रवण, वो भी सुनने से आपको लाभ होगा। पर गोस्वामी जी कहते हैं अगर इतिहास के रूप में आप श्रवण करेंगे तो पूर्ण लाभ से आप वंचित रह जाएंगे। वे चाहते हैं कि कथा हम जब श्रवण करें प्रभु की, तो प्रत्येक व्यक्ति प्रभु की कथा में स्वयं सम्मिलित हो जाए, कथा का एक हिस्सा बन जाए, ये कथा हमारे जीवन की कथा हो, प्रभु की लीला में हम सब अपनी अपनी भूमिका, अपने लिए एक स्थान खोज ले, तब ये कथा की सार्थकता पूरी तरह से हमें प्राप्त हो। और तब विनय पत्रिका के एक पद में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बहुत सुंदर प्रार्थना की। ये अद्भुत ग्रंथ है विनय पत्रिका, रामचरितमानस का पूरक ग्रंथ है, परम पूज्य महाराज श्री का जो विपुल साहित्य है वो आया हुआ है, उसमें रामचरितमानस और विनय पत्रिका की तुलनात्मक विवेचना नाम का एक ग्रंथ महाराज श्री ने लिखा है, बहुत ही विलक्षण। इस साहित्य का भी आप लाभ ले, और हमारे विवेक भैया की ये सेवाएं इतने वर्षों से हैं, वो आज भी हाथ जोड़ करके सामने बैठ के कहे कि 50% छूट से आज ये साहित्य आपको मिलेगा, तो अभी तक जिन्होंने ना लिया हो कानपुर वासी उसका अवश्य लाभ ले लें। तो विनय पत्रिका के एक पद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रभु से प्रार्थना की। कितनी मार्मिक प्रार्थना है, कहते केहु भांति कृपा सिंधु मेरी ओर हे दिए।
प्रभु से कहते हैं कि मुझे आपकी कृपा दृष्टि की आवश्यकता है, किसी भी तरह से आप मेरी ओर देखिए। प्रभु ने पूछा क्यों? उनका प्रभु त्रेता युग में आपने जो सारी लीलाएं की, आपने ताड़का का वध कर दिया, अहिल्या का उद्धार कर दिया, रावण का वध कर दिया, विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की, पर आज मेरे जीवन में ये सभी पात्र विद्यमान है, तो हम कैसे विश्वास करें कि वो त्रेता युग की घटना सही है? जब तक हमारे जीवन की ताड़का का वध ना हो जाए, हमारे अंतःकरण की अहिल्या का उद्धार ना हो जाए, हमारे अंतर हृदय का रावण मर ना जाए, तब तक हम विश्वास नहीं करेंगे कि आपकी लीलाएं सही है। इसलिए प्रभु आपकी हमें और भी आज आवश्यकता है, वे अनुरोध कर रहे। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिन चार घटनाओं का इस पद में वर्णन किया है, हमारे राम बालक जी से मैं अनुरोध करूंगी कि कल जरूर ये पद विनय पत्रिका, क्योंकि आप लोग सभी सुधी साधक है, विनय पत्रिका का ये बड़ा भावपूर्ण पद है, इसमें विश्वामित्र जी के यज्ञ का उल्लेख आता है। इस पद में सुग्रीव और बाली प्रसंग की ओर भी सिंगित करते हैं, रावण वध की भी चर्चा करते हैं, और ये अहिल्या उद्धार के प्रसंग की ओर भी संकेत करते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु विश्वामित्र जी जो यज्ञ कर रहे थे, जिसका आपने संरक्षण प्रदान किया, वैसा यज्ञ मैं भी करना चाह रहा हूं, पर मेरा यज्ञ भी पूर्ण नहीं हो पा रहा है। तो रामचरितमानस में तो उस यज्ञ का वर्णन नहीं है, पर विनय पत्रिका के इस पद में देखिए, हमारे गुरुदेव की जो व्याख्या है वे सब खोज प्रदान है, अन्वेषण पूर्वक है। महर्षि ने खोज निकाला कौन सा यज्ञ विश्वामित्र जी कर रहे हैं, तो गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका के इस पद में इंगित किया है कि पद राग जाग चहो कौशिक जौ कियो हो। प्रभु मैं भी एक यज्ञ करना चाह रहा हूं, कौन सा यज्ञ? इतना सुंदर नाम गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, मैं भी अनुराग यज्ञ, प्रभु के चरणों में प्रीति हो जाए, प्रभु के चरणों में अनुराग हो जाए, उसके लिए मैं भी निरंतर यज्ञ कर रहा हूं, पर वह संपन्न नहीं हो पा रहा है। इसका तात्पर्य क्या है कि विश्वामित्र जी जैसा घोर प्रचंड पुरुषार्थी महात्मा, जिसके जीवन में, जिसके व्यक्तित्व में इतनी सिद्धियां चमत्कार दिखाई दे रहे हैं, जो एक नया स्वर्ग बना सकता है, जो अपना वर्ण बदल सकता है, वो महात्मा भी उनके अंतःकरण में जो विकार है, जो काम है, जो क्रोध है, जो ईर्ष्या है, अहंकार जैसी वृत्तियां हैं, उसको मिटा पाने में वे अपने आप को असमर्थ अनुभव कर रहे हैं। और ये कथाएं अगर हम ध्यान से अगर हमने सुनी होती, पढ़ी होती, तो समाज में ये जो विसंगतियां होती हैं, लोग सुनते, अरे इतने बड़े महापुरुष, उनके जीवन में इतना पतन क्यों हुआ, इतना स्खलन क्यों हुआ? पर मानस में तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने सारा प्रकाश खोल करके हमारे सामने रख दिया है कि विश्वामित्र जी भी ये अनुभव करते हैं कि आप तपस्या के द्वारा, साधना के द्वारा, योग के द्वारा इस भौतिक संसार की बड़ी से बड़ी वस्तु प्राप्त कर सकते हैं, आप स्वर्ग लोक प्राप्त कर सकते हैं, आप ब्रह्म लोक तक पहुंच सकते हैं, पर अंतःकरण के विकारों को मिटा पाना इतना कठिन है कि बड़े बड़े महापुरुषों के लिए भी ऐसा लगता है कि वे असमर्थ हैं। और
और इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस की परिसमाप्ति में उत्तर कांड में इतने विस्तार से इन विकारों का वर्णन किया है। ये मनोविज्ञान की एनसाइक्लोपीडिया है। महाराज श्री कहते हैं ये मानस रोग, महाराज श्री ने 5 ग्रंथ व्याख्या में लिखे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में मानस रोग की चर्चा की है। मोह सकल व्याधिन करमूला, तिन्ते पुनि उपजय बहुसूला, कामवाद कपलोभ भार, बड़ी लंबी श्रृंखला है। महाराज जी का सद साहित्य अवश्य पढ़े। उनका तात्पर्य क्या है? विश्वामित्र जी ने ये अनुभव किया, उनके जीवन की यात्रा जहां से प्रारंभ हुई वे बैठ करके विचार कर रहे हैं। कहां से प्रारंभ होती है? एक राजा के रूप में कथा आती है पुराणों में, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है, पर आप इन सारी कथाओं से अवगत है भलीभांति कि एक बार वो घटना, वन में मृगया करने के लिए राजा विश्वामित्र जी जाते हैं और उन्होंने देखा मुनि जी का आश्रम, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ निवास कर रहे थे अपनी कुटिया में, आश्रम में, और संत का दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए राजा पहुंच गए। अब ये गौरव हमारे संत परंपरा का है। वशिष्ठ जी ने देखा कि देश का राजा आया है तो उनका स्वागत भी राजोचित होना चाहिए। यद्यपि उनके पास आश्रम में वो तो कंद मूल फल जहाँ ऋषि मुनि रहते हैं उसी से उनका निर्वहन होता है, पर देश का राजा आया हुआ है तो एक भव्य स्वागत उन्होंने किया राजोचित। अब विश्वामित्र जी ने जब ये देखा कि ये जो वन में रहने वाला मुनि, देखिए उस युग में तो मोबाइल फोन थे नहीं, ना इंटरनेट था, ना वो ऑर्डर कर सकते थे तुरंत डोमिनोज से ये सामान आ जाए या कोई अन्य जो भी व्यवस्थाएं आजकल आधुनिक है, अचानक मेहमान आ गए तो आप उनका स्वागत सत्कार कर सकते हैं। पर ये तो घोर वन में रहने वाले मुनि जी और राजा आया हुआ है, उनके अकेले नहीं सारी सेना के साथ कैसे स्वागत किया जाए? और बड़ा भव्य स्वागत। और विश्वामित्र जी के मन में जिज्ञासा हुई, उन्होंने पूछ दिया, और वशिष्ठ जी बड़े सरल स्वभाव से उन्होंने स्वीकार कर लिया कि महाराज हमारे पास कामधेनु की कन्या नंदिनी गाय है और जो भी कामना मैं करता हूँ वो पूर्ण हो जाती है, और इसलिए आपकी सेवा में ये सारा स्वागत सम्मान। अब बताइए इसकी प्रतिक्रिया राजा के मन पर क्या हुई? उनको लगा ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। कामधेनु का मतलब आप समझ रहे हैं ना, व्यक्ति के मन में कामना उत्पन्न हो और कामना की पूर्ति हो जाए, फल प्राप्ति हो जाए, उस दोनों के बीच में व्यक्ति को पुरुषार्थ करना पड़ता है। अगर कामना है आप पुरुषार्थ करके और वो अपनी कामना की पूर्ति फल प्राप्त कर। पर कामधेनु का मतलब क्या कि करना धरना कुछ नहीं है, जो आप कामना करेंगे वो तत्काल पूर्ण हो जाएगी। राजा के मन में लोभ उत्पन्न हो गया, ये तो बहुत बढ़िया। यहां जितने भी श्रोता उपस्थित है कितने लोग चाहते हैं कि कामधेनु मिल जाए हमें? आप लोग तो साधक है, कथा श्रवण कर रहे हैं। तो अब राजा के मन में लोभ है कि ये कामधेनु हमें मिल जाए तो कितना अच्छा, भाई कुछ करना ही ना पड़े, जो चाहे मांग लो और पूरी हो जाए। उन्होंने वशिष्ठ जी के सामने, अब देखो बात कैसे रखी, या एक आदमी व्यक्ति वो होता सरलता से सीधे कहता है कि महाराज गुरुदेव हमें ये चाहिए, पर ये जब उनके अंदर कामना जागृत हुई तो वो लोभ के साथ गोस्वामी तुलसीदास जी ने, मैंने कहा ना मानस में मनोविज्ञान ऐसा अद्भुत रखा है कि लोभी व्यक्ति बहुधा कदापि ये दिखाना, ये प्रदर्शन नहीं करना चाहता है कि मेरे अंदर लोभ है। तो जहां भी लोभ होगा उसके साथ दंभ अवश्य होगा। और गोस्वामी जी से पूछा था ये काम क्रोध लोभ 3 खल है, 3 विकार है, और पर ये तीनों को शक्ति कहां से मिलती है? व्यक्ति के अंतःकरण में तो है ही।
और तब गोस्वामी जी कहते, लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी, क्रोध के परुष वचन सुनी मुनि बर गए विचार। क्रोध को शक्ति मिलती है कठोर वचन से, काम को की वृत्ति को बल मिलता है नारी सौंदर्य से, और इन दोनों के तो एक एक बल है, पर लोभ के दो बल है उनका, लोभ के इच्छा दंभ बल। इच्छा के साथ दंभ जुड़ जाता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? कठिन हो रहा है, दृष्टांत दे दे। जैसे आप किसी के घर भोजन के लिए दोपहर में चले गए, भोजन का समय है, अब आपको भूख लग रही है। अब अगले व्यक्ति ने देखा मेहमान आए तो आपसे कहा, आइए आइए चलिए भोजन का समय है, आप भी हमारे साथ प्रसाद ग्रहण कर ले। अब ये भले मानुष, एक तो ये प्रतिक्रिया हो सके, कह दे हाँ भाई बहुत भूख लगी है लाइए हमें, और वो दूसरा व्यक्ति उसने कहा, नहीं भाई भूख तो नहीं है, पर आप कह रहे हैं तो भाई आपकी बात को कैसे टाले, इसलिए हम खा लेंगे। वो बनावटीपन। तो राजा ने भी विश्वामित्र जी से, वशिष्ठ जी से कहा कि महाराज आपके पास तो इस गाय का उपयोग ही नहीं है, पूर्ण उपयोग का है, पूरे जीवन में एक ही बार तो आपने कुछ मांगा उनसे, तो आपको क्या चाहिए? आप वन में रह के तपस्या करते हैं, आपको तो चाहिए घी दूध दही इत्यादि, तो ऐसा करें कि इस एक गाय के बदले मैं आपको 10,000 गाय दे देता हूं, आप ये गौ मुझे दे दीजिए, नंदिनी मुझे दे दीजिए। कितनी चतुराई, और दिखाया कि आपके पास तो सही उसका सदुपयोग नहीं हो रहा। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन ये संभव नहीं है, कामधेनु जब भी होगी तो केवल महात्मा के पास ही होगी, गृहस्थ को का पास कामधेनु अगर पहुंच गई तो वो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि जिसके अंदर सारे विकार कामनाएं भरी हुई है, और केवल अच्छी कामनाएं नहीं, पता नहीं क्या मांग ले, इसलिए किसी भी जो है सदगृहस्थ के पास नहीं हो सकती है, वो तो महात्मा, क्योंकि वो सब राग द्वेष से ऊपर उठ गए हैं, जहां वो वृत्तियां नहीं है उन्हीं के पास, ताकि उसका दुरुपयोग ना हो सके। समझ में आ गया? और तब अब ये राजा का रजोगुण जो है वो जागृत हुआ, उसने कहा अच्छा आप नहीं रहेंगे, मैं छीन करके ले। और तब विश्वामित्र जी ने अपनी सेना को आदेश दिया कि गौ माता जो है नंदिनी को छीन लो। सेना ने आक्रमण किया, पर हुआ क्या आश्चर्य कि महर्षि वशिष्ठ के पास एक ब्रह्म दंड था, और वो ब्रह्म दंड के समक्ष सारी सेना परास्त हो गई, पराजय का सामना करना पड़ा, वो सफल नहीं हुए, ले नहीं जा सके, और राजा को वापस लौटना पड़ा। अब विश्वामित्र जी का ये जो रजोगुण है, क्रोध बढ़ता गया, और उन्होंने निर्णय किया कि मैं दिव्यास्त्र प्राप्त करूंगा। क्या मार्ग से? तपस्या का मार्ग। देखिए अब यहां से तपस्या का क्रम विश्वामित्र जी के जीवन में प्रारंभ हो रहा है। तपस्या करेंगे तो तपस्या तो बड़ी सात्विक वस्तु लग रही है, तप कर रहे हैं, इतनी बड़ी साधना कर रहे हैं, पर वो साधना के मूल में वृत्ति क्या है समझने की आवश्यकता ये है। लग तो रहा है कि बड़ा सात्विक कार्य कर रहे हैं, वो तप कर रहे हैं, पर तपस्या का उद्देश्य क्या है? कि मैं दिव्यास्त्र प्राप्त करूं, और वो दिव्यास्त्र लेकर फिर से वो सफल हुए, अमोघ अस्त्र उन्होंने सब प्राप्त किए, ऐसी घोर तपस्या की, और फिर से वशिष्ठ जी के आश्रम पर आक्रमण किया। और आप जानते हैं दिव्यास्त्र पाशुपतास्त्र, दिव्य अस्त्रों से जहां आक्रमण किया, अब तमोगुण रजोगुण तमोगुण में बदल गया, पर फिर से विश्वामित्र जी को पराजय का सामना पड़ा, क्योंकि जो वशिष्ठ जी का ब्रह्म तेज था उनके सामने ये सारे जो है दिव्यास्त्र जो है असफल हो गए। तब अब परिवर्तन, विश्वामित्र जी का मनोविज्ञान देखिए महाराज श्री कैसे हमें दिखा रहे, अब परिवर्तन आ रहा है।
पुनः उनको लगा कि अब मुझे तप करना चाहिए, पर किसके लिए? उनका दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बला, धिक्कार है मेरा क्षत्र तेज नहीं ब्रह्म तेज, मुझे भी ब्रह्मर्षि पद प्राप्त करना है। एक क्षत्रिय तेज जो है असफल हो गया, और वे तपस्या फिर से कर रहे, और तपस्या और साधना का इतनी घोर, देखिए मैंने फिर से कहा इतना सात्विक प्रयोजन तपस्या, सात्विकता पूर्वक पूर्ण एकाग्रता से। और व्यक्ति में जब कोई लगन होती है ना किसी वस्तु को पाने की, तो कुछ भी असंभव नहीं होता। ये विश्वामित्र जी के जीवन में हम देख सकते हैं, इतनी तपस्या की कि सब लोग चारों ओर जय जयकार होने लगी, और स्वयं ब्रह्मा जी को आ करके उन्हें कहना पड़ा, जय हो विश्वामित्र जी, आज तो मैं आपको ब्रह्मर्षि पद प्राप्त आपको प्रदान करता हूं, और सारा संसार आपको ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के रूप में जानेगा। अब एक शिष्य ने भी कहा, महाराज अब तो आप ब्रह्मर्षि हो गए भाई, इतना बड़ा कीर्तिमान आपने अद्भुत पूरे विश्व के इतिहास में किसी ने नहीं प्राप्त किया, आपने कर लिया। पर आप जानते हैं विश्वामित्र जी का क्या उत्तर था? ब्रह्मर्षि पद प्राप्त करने के बाद भी उन्होंने कहा, सब तो कह रहे हैं पर वशिष्ठ ने तो नहीं कहा। ये जो प्रशंसा हमारी हो पर सारा संसार प्रशंसा, पर एक भी व्यक्ति अगर ना करे, वशिष्ठ ने तो नहीं कहा। तो ये जो वृत्ति विश्वामित्र जी के अंतःकरण में, ये जो विमर्श ईर्ष्या जैसी वृत्ति, प्रतिस्पर्धा होड़ की वृत्ति से, इसका मतलब क्या हुआ? मानस में जो संदेश दिया है कि आप कितने ही बड़े साधक क्यों ना हो, कितनी बड़ी तपस्या आपके जीवन में, कितना बड़ा योग क्यों ना हो, पर जब तक आपके अंतःकरण में ये विकार उपस्थित रहेंगे, तब जब तक आपके अंतःकरण में पूर्ण पवित्रता नहीं आ जाएगी, तब तक आपको वह पूर्ण परमानंद, वो परम शांति की अनुभूति जीवन में नहीं होगी, चाहे किसी भी क्षेत्र में। और धर्म के क्षेत्र में तो विशेष रूप से देखिए, क्योंकि आप अपने पुरुषार्थ से बहुत धन प्राप्त करके विश्व के सबसे धनवान बन जाए, सबसे बलवान बन जाए, पर क्या ये अंतःकरण के विकार मिट जाएंगे क्या? इतना बड़ा स्टेटस आपने आपको प्राप्त हो गया, पर ये जो अंतःकरण, और महात्माओं के लिए तो बहुत विशेष, गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं, क्या बताए, साधारण संसारी के जीवन में तो ये विकार नहीं, बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में दिखाई देता, जिसने सब कुछ त्याग कर दिया, घर गृहस्थी प्रवृत्ति सब कुछ त्याग कर दिया, गोस्वामी जी कहते फिर भी उनके हृदय में उस इच्छा को वो त्याग नहीं कर पाते, को कछु कही दे कछु को यह वासना हृदय ते न जाए। तो अंतःकरण की वो रसमयता, वो पवित्रता, वो दिव्य भक्ति जब तक प्राप्त नहीं होगी, तब तक अंतःकरण के विकार नष्ट नहीं होंगे। ये अनुभव कर दिया विश्वामित्र जी ने कि सारी तपस्या करते हुए भी इन राक्षसों की समस्या का समाधान मैं नहीं कर पा रहा हूं, हरि बिनु मरई न निश्चर पापी, वन में रह के तपस्या का क्रम। और आप जानते हैं वो कथा भी बड़ी महत्वपूर्ण है, यही सूर्यवंश के राजा त्रिशंकु की कथा, वो भी यहां विश्वामित्र जी के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण प्रकाश देती है कि त्रिशंकु यद्यपि सूर्यवंश के एक राजा है, उनके अंतःकरण में एक कामना जागृत हुई, नित्य सत्संग में वो जाते थे स्वर्ग की प्राप्ति हो। अब देखिए मृत्यु के बाद कोई स्वर्ग जाए, हम लोग तो अखबारों में यही छपवाते हैं, अगर किसी की मृत्यु हो तो के फला फला व्यक्ति स्वर्गवासी हो गया, पर त्रिशंकु ने
गुरु वशिष्ठ से जाके कहा कि महाराज मैं तो सशरीर स्वर्ग जाना चाहता। वशिष्ठ जी ने कहा कि ये कामना तो मृत्यु लोक के नियम, ब्रह्मा जी के नियम के विपरीत है। मृत्यु के पश्चात वहां स्वर्ग में जो देवताओं का शरीर है वो तेज तत्व से बना है, ये पंचभूत का शरीर तो यही मृत्यु लोक में होता है, इस शरीर को लेके तुम स्वर्ग नहीं जा सकते। पर त्रिशंकु जो महत्वाकांक्षा जागृत हो गई, उन्होंने वशिष्ठ ने अस्वीकार किया। देखिए ऐसे महत्वाकांक्षी व्यक्ति उस खोजी होते, उन्होंने पता लगा लिया था कि वशिष्ठ जी का किससे विरोध है। अगर एक महात्मा से हमारा काम पूरा नहीं हो रहा है तो दूसरे महात्मा की जय, गुरुओं की खोज में ऐसे चेले रहते। और ये पता था कि वशिष्ठ का विश्वामित्र जी से पुराना विरोध है, तो चले गए विश्वामित्र जी के पास त्रिशंकु, और उनके सामने भी यही कामना रखती। और विश्वामित्र जी को बड़ा आश्चर्य हो कि अरे तुम तो गुरु वशिष्ठ ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के शिष्य हो, तुम यहां कैसे आ गए। तो उन्होंने कहा कि वशिष्ठ जी महाराज ने अस्वीकार कर दिया कि ये तुम्हारी कामना पूर्ण नहीं हो सकती। अब देखिए विश्वामित्र जी की प्रतिक्रिया, फिर से उनके व्यक्तित्व की एक झांकी सामने आती है। उनका अच्छा, वशिष्ठ ने अस्वीकार किया, ठीक है मैं तुमको भेजता हूं सशरीर स्वर्ग, तुम्हारी कामना पूरी करता हूं। अब त्रिशंकु को बड़ा प्रसन्न हो गया, और वास्तव में विश्वामित्र जी ने अपनी पूरी तपस्या का बल लगा करके, जो वर्णन आता है कथा आदि पुराणों में कि त्रिशंकु को स्वर्ग भेज दिया सशरीर। अब हुआ क्या, स्वर्ग में इंद्र बैठे थे, राजा और सारे देवता, उन्होंने देखा कि यहां नीचे से एक मनुष्य चला रहा है। अब देवताओं का मनोविज्ञान सामने आ जाता। अब देवत्व किसको मिलता है, जो पुण्यात्मा होते हैं उन्हीं को तो स्वर्ग मिलता है। देवताओं ने देखा कि एक मनुष्य चला आ रहा है, उन्होंने कहा ये स्वर्ग में कोई मनुष्य नहीं रह सकता है, और तुरंत वहां से उसको ढकेल दिया। अब ये त्रिशंकु ऊपर से गिरने लगा, और जब गिरने लगा तो जोर जोर से पुकारा विश्वामित्र जी को, महाराज ये देखिए स्वर्ग के देवता मुझे अंदर प्रवेश करने नहीं दे रहे हैं, बचाओ बचाओ उन्होंने चिल्लाया। विश्वामित्र जी ने जहां सुना उसने कहा अच्छा मैं किसी को भेजू स्वर्ग और उनको अंदर ना आने, इंद्र में वो दुस्साहस, रुक जाओ ठहर जाओ। उन्होंने कहा मैं तुम्हारे लिए नया स्वर्ग बनाता हूं। अब ये सब कथाएं जब हम पढ़ते हैं कितना आश्चर्य, क्या अद्भुत क्षमता शक्ति सामर्थ्य, सिद्धियों से युक्त विश्वामित्र जी महाराज, और वास्तव में नया स्वर्ग बनाना शुरू कर दिया। पर कथा क्या आती है कि देवताओं ने देखा कि इस महात्मा के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है, तो वास्तव में बना लेगा। इंद्र घबरा गया, सारे देवताओं के साथ यूनियन बना करके, क्योंकि विश्वामित्र जी के व्यक्तित्व की जो कमजोरी है, एक वीकनेस है, ह्यूमन वीकनेस, वो जानते थे। और जा करके वो लगे प्रशंसा करने, जय हो विश्वामित्र जी की, अद्भुत, आपके जैसा संसार में कोई है ही नहीं, आप अद्वितीय महापुरुष। अब प्रशंसा जहां सुनी विश्वामित्र जी ने, तो उन्होंने कहा तुम लोग सच में कहते हो, हाँ मैं वशिष्ठ भी बड़ा हूं। हाँ महाराज, कहां वशिष्ठ, कहां बाप में जो क्षमता है, मैं प्रसन्न हूं, क्या चाहते हो। उनका ये दूसरा स्वर्ग जो बना रहे हैं वही रोक दो। उनका तथास्तु, ठीक है नहीं बनाऊंगा। अब देखिए स्थिति क्या हुई, ये दो महात्माओं की लड़ाई में, यद्यपि वशिष्ठ जी तो उसमें किसी भी तरह से भागी नहीं है, पर वो त्रिशंकु जो है वो बीच में लटकता रह गया। और वो लटकता रह गया, स्थिति क्या है, जब वो ऊपर से नीचे गिर रहा था तो किस तरह से गिर रहा था कि सिर नीचे और पैर ऊपर। महाराज ने कहा यही होता है, जब किसी व्यक्ति को कोई विशेष पद मिल जाता है
और अगर सिर नीचे और पद ऊपर हो जाए तो उसकी वही स्थिति होती है जो त्रिशंकु की हो गई। अगर ऊपर से गिरते नीचे गिरते समय सिर ऊपर होता और पैर नीचे होता तो कोई बात नहीं, पर उल्टा गिर रहा है। मतलब विवेक के ऊपर हमारे पदाधिकारी होने का पद का मद हो जाना, वो ऊपर से नीचे जब वहां बीच में लटक गया, और कथा क्या आती है कि उसके मुंह से लार टपकने लगी, और वो लार जो टपकने लगी त्रिशंकु से उसे एक नदी बन गई, और उस नदी का नाम है कर्मनाशा। और ये कर्मनाशा नदी, अब आप देखिए, क्योंकि आप लोग सब गंगा तटवासी है और सब रामायण भी पानस भी पाठ करते हैं, और यही शास्त्र कहता है कि इन नदी गंगा में यमुना में सरस्वती में तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने से, तीर्थ में जाने से, सरयू मैया में स्नान करने से हमारे सारे पाप जाने अनजाने में, जो श्रद्धालु है आस्तिक है शास्त्र के प्रति श्रद्धाएं मानते हैं कि हम तीर्थ में जाके स्नान करते हैं तो हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाता है, सारे पाप मुक्त हो जाते हैं। तो ये यमुना गंगा में स्नान करने के तो यह फलश्रुति है। तो ये कर्मनाशा जो नदी बन गई आज भी है उत्तर प्रदेश बिहार के बॉर्डर में, वो कर्मनाशा नदी। पर शास्त्र वर्णन करता है कि कर्मनाशा में स्नान करने से क्या फल मिलेगा आप जानते हैं? जीवन में जितने भी पुण्य किए होंगे आपने, अगर स्नान ही नहीं, कर्मनाशा का जल का एक छींटा भी आपके ऊपर गिर जाए तो सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। ये कथा ध्यान से सुनने की वस्तु है, समझने की वस्तु है, इसका तात्पर्य क्या है? अब कोई व्यक्ति कहेगा कि ये जो कथाएं लिखी हुई है सब कपोल कल्पित है, वैज्ञानिक बुद्धि वाला तार्किक नवयुवक चला गया दोनों ही नदियों में जाकर के जल निकाल लाया, वो यमुना से भी जल ले आया, कर्मनाशा के मैं लेबोरेटरी में जाके परीक्षण करता हूँ इस जल में क्या अंतर है, एक से पुण्य नष्ट होते हैं तो दूसरे से पाप नष्ट होते हैं। पर ये लेबोरेटरी में केमिकल एनालिसिस से उसका उत्तर नहीं मिलेगा। उसका उत्तर समझना हो जानना हो तो युग तुलसी महाराज श्री राम किंकर जी का सद साहित्य पढ़ना पड़ेगा, उनकी वह दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टि हमें प्राप्त करनी होगी, तब हम अपने इस पौराणिक कथाओं को अपने जीवन से जोड़ करके हमारे वर्तमान जीवन की समस्याओं का समाधान खोज पाएंगे। महाराज जी कहते हैं यहां दो कर्म की नदियों का वर्णन आपको मिलता है। मानस में गोस्वामी जी कहते हैं राम भगति जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध मय कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदिनी वर्णी। गंगा जी जो है का प्रादुर्भाव कहां से हुआ है? उनका भगवान के श्री चरणों से। यमुना जी का प्रादुर्भाव कहां से हुआ है? चैतन्य सोता है, बोलिए, सोते हुए तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। यमुना का प्राकट्य कहां से हुआ है? अभी मैंने आपके समक्ष चौपाई तो बोली, सूर्यपुत्री। बात अच्छा दुबे जी ने कहा। तो भौतिक रूप से, भौगोलिक रूप से तो यमुनोत्री गंगोत्री वो तो एक बात है, पर हमारे पुराण कहते हैं कि गंगा का प्राकट्य भगवान विष्णु के चरणों से जो है प्रकट हुई है गंगा मैया, और यमुना मैया प्रकट हुई है भगवान सूर्य की वह पुत्री है। कर्म कथा रवि नंदिनी वर्णी, ये सूर्य पुत्री है यमुना। तो गंगा, गोस्वामी तुलसीदास जी की उत्प्रेक्षा बहुत ही विलक्षण है कि गंगा मानो भक्ति की धारा है और यमुना मानो कर्म की धारा है। कर्म का प्रतीक है सरस्वती, ज्ञान का धारा का प्रतीक है। ये तीन नदियों के द्वारा गोस्वामी जी ने ये तीन सिद्धांतों को व्याख्यायित करने का प्रयास किया। तो यमुना है कर्म की धारा और कर्मनाशा भी है कर्म की नदी। देखिए,
यमुना में स्नान आप करेंगे, यम द्वितीया के समय कितने लोग जाते हैं, भाई भी जो है बहन साथ में करेंगे तो सारे जो यमराज कष्ट नहीं देगा, सारे आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यमुना है सूर्य पुत्री, उसमें स्नान करने से हमारे सारे पाप नष्ट होते हैं और कर्मनाशा में स्नान करने से पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? परम पूज्य महाराज कहते हैं हमें इन नदियों के उद्गम की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये कर्म के दो प्रतीक धाराएं हैं, दो प्रकार के कर्म हम और आप सभी संसार में जो है प्रवृत्ति मार्ग में कर्म ही तो कर रहे हैं, पर कर्म के क्या प्रकार है ये कहते हैं मानसकार, कहते हैं दो प्रकार के कर्म है। एक कर्म यमुना जैसा कर्म है जिस कर्म का उद्गम ज्ञान से होता है, जिस कर्म का उद्गम विवेक और विचार से उद्गम होता है, ऐसा सत्कर्म हमारे जीवन के सारे पापों को नष्ट कर देता है। समझ में आया? पर कर्मनाशा के उद्गम कैसे हुआ? उनका वो तो त्रिशंकु की लार से हुआ। लार का मतलब जानते हैं ना, अभी हम आपको कह देंगे कथा के बाद हमारे जो है तिल्लू भैया सबको गरम गरम जलेबी देने वाले हैं। तो कितने लोगों के मुंह में कि कथा कब पूरी हो रही है, कितने जल्दी लार आ जाती है। लार का मतलब लालसा, और ये लालसा केवल वस्तु को देख के नहीं, किसी की बहुत बड़ी कोठी मकान देख करके लालसा आ जाती है, कितना सुंदर ऐसा हमारा भी घर होता, किसी का वो तो कोठी तो छोड़ दीजिए, मोबाइल ही देख करके किसी का, आजकल तो कितना अच्छा मोबाइल हमारे पास भी हो। ये लार, ये लालसा से प्रेरित होकर के, ललायित तो होकर के जब हम लोभ और लालच से कर्म करेंगे तो ऐसा सत्कर्म भी पुण्य को नष्ट करने वाला होता। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि विश्वामित्र जी का कार्य देखिए कितना उत्कृष्ट लग रहा है, किसी को स्वर्ग, स्वयं स्वर्ग जाना अपने पुण्य के द्वारा वो तो एक उपलब्धि हुई, और अपने शिष्य को स्वर्ग भेजने के लिए अपनी ताकत लगाना वो तो और ऊंची बात हुई, पर दूसरे के शिष्य को अपनी साधना की शक्ति लगा करके स्वर्ग भेजना ये तो कितना परोपकार का उत्कृष्ट कार्य लग रहा है ना, कितना बड़ा सत्कर्म है महापुरुष के, भाई दूसरे के शिष्य को स्वर्ग पहुंचा रहे हैं। पर क्या वो पहुंचा पाए क्या? महाराज श्री कहते कि यही तो बात है, सत्कर्म दिखाई दे रहा है पर उसके पीछे वृत्ति क्या है, वे इतने व्याकुल नहीं है कि त्रिशंकु का उत्कर्ष हो, उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो, वो इसीलिए उसको भेज रहे हैं कि वो वशिष्ठ को नीचा दिखाना चाहे, त्रिशंकु को उठाने के लिए नहीं पर वशिष्ठ को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने उनको स्वर्ग भेजा। तो अंदर जो वृत्ति है विमर्श की वो अभी तक विश्वामित्र जी ब्रह्मर्षि पद प्राप्त कर लिया पर वो होड़ की वृत्ति अभी भी नहीं मिट पाई, और तब उनको ऐसा लगा कि हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी, मेरी साधना से सामर्थ से वन में रह के तपस्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, ब्रह्मर्षि पद प्राप्त हो गया है, पर अभी भी अंतःकरण की वो रसमयता, वो दिव्य भगवान को पाना, भक्ति को पाना साधन और पुरुषार्थ के द्वारा संभव नहीं है। और जब उन्होंने वह असमर्थता अनुभव की, विश्व का सबसे बड़ा पुरुषार्थी महात्मा अनुभव कर रहे कि मेरे सामर्थ्य से मैं इन बुराइयों को, इन विकारों को, इन मन के रोगों को नहीं मिटा पा रहा हूं, वो असमर्थता का क्षण उसके जीवन में अब ये एहसास हुआ ईश्वर को पाना चाहिए।
तो भक्ति का प्रादुर्भाव कब होता है? जब तक आप अपने में सामर्थ्य का अनुभव कर रहे तब तक आपको किसी भगवान की जरूरत नहीं। आप जो भी करते हैं आपको यही लगता है कि मैं अपने पुरुषार्थ से मैं क्या नहीं प्राप्त कर सकता। पर अब विश्वामित्र जी बदल गए और तब लगा कि कहां भगवान मिलेंगे। उन्होंने कहा देखा अवतार ले लिया है, त्रिकालज्ञ थे, किधर अवतार लिया है? अयोध्या के राजमहल में, किसके यहाँ? महाराज दशरथ के यहाँ। और विश्वामित्र जी ने देखा कि वहां तो कुल पुरोधा ब्रह्मर्षि वशिष्ठ है जिनसे पुराना झगड़ा है। बड़ी समस्या, अब क्या करें? पर अब विश्वामित्र जी का परिवर्तन दिखाई दे रहा है कि नहीं, भगवान को पाना है तो मांगने के लिए जाना ही पड़ेगा। अहंकार का त्याग करके पहुंच जाते हैं और श्री रामभद्र को लेकर के आते हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है, समय नहीं है, आने वाले दिनों में उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे अगर आप लोगों में जिज्ञासा है। और तब प्रभु से ये कहते हैं, ये ताड़का कौन है? सूत्र में केवल मैं आपको समझा दूं, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस जितनी भी लीलाएं हैं वो सारी लीलाओं को हम अपने आज के वर्तमान जीवन में, अपने अंतःकरण में उनको घटित होते हुए वो देखते हैं और हमें युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री अपनी व्याख्या के द्वारा हमें समझाते हैं। नाम वंदना प्रसंग बाल कांड में जो आता है, उस नाम वंदना प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी नाम भगवान से प्रार्थना करते हैं। प्रभु त्रेता में तो आपने ताड़का का वध किया, पर आज हमारे पास, क्योंकि भगवान का नाम स्वयं प्रभु का श्री विग्रह है और कलयुग में उसका विशेष फल है, तो वे नाम भगवान से प्रार्थना करते कि प्रभु मेरे अंतःकरण में जो ताड़का मारीच और सुबाहु है आप कृपा करके उसका संहार कर दीजिए और समस्या का समाधान कर दीजिए। कौन है ये ताड़का? और तब वे कहते सहित दोष दुख दास दुराशा। ताड़का कौन है? उनका ये दुराशा की वृत्ति ही हमारे अंतःकरण में जो है वो ही ताड़का है। दुराशा का अर्थ आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो आपको जल्दी से समझा दे, तीन शब्द है, आशा, निराशा और दुराशा। सुना है ना, क्योंकि आप लोग सब साहित्यिक है, विज्ञ है, तीन शब्द है। आशा शब्द को समझाने की जरूरत है? कोई आशा देवी बैठी है तो बुरा ना माने। ये आशा सारे दुखों की मूल में जो व्यक्ति अपने जीवन में अनुभव करता है, इस सारे दुख की जड़ क्या है? उनका ये आशा। क्योंकि व्यवहार में जब हम कर्म करते हैं तो हर व्यक्ति शब्द का प्रयोग करता है। घर परिवार में आप देखिए, पत्नी को पति से आशा है, पति को पत्नी से आशा है, और जिसको भी आप करें, जिसके लिए भी कुछ करें, तो आप यही कहते हैं भी जब आपने किसी के लिए बहुत कुछ किया और आप प्रतिकार में चाहते हैं कि वो भी, आशा अंदर से उत्पन्न होती है कि आप भी हमारे लिए इतना करें, हमने आपके लिए इतनी की। और अगर वो आपकी कसौटी पे खरा नहीं हुआ तो आप कहेंगे कि मुझे आपसे ये आशा नहीं थी। तो ये आशा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोहा ही लिख दिया द्वावली रामायण में। उनका ये जितने देवी देवता है ना 33 कोटि सनातन धर्म में, इन सभी देवी देवता से ये आशा देवी जो है ना वो बिल्कुल अलग है स्वभाव से। क्या स्वभाव में भिन्नता है? इनका तुलसी दुर्लभ देवता, ऐसा दुर्लभ देवता है इनका आशा देवी नाम। क्या उनमें विशेषता है? उनका सेई शोक समर्पई और त्यागे मन अभिराम। अन्य देवी देवता की सेवा करेंगे तो वो आपको प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे, पर ये आशा देवी की आप जितनी सेवा करेंगे उतना ही वो आपको शोक और दुख देगी, और अगर आप उसको त्याग देंगे तो आपके जीवन में विश्राम और शांति की प्राप्ति होगी।
अब कहना तो कितना सरल है, आशा नहीं रखनी चाहिए। भजन भी हम लोग जोर जोर से गाते हैं, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। पर क्या आशा छूटती है क्या? कितना ही हम कथा में सुन ले। और मैंने कहा ना, बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में से कहू कछु कह दे कछु कहू यह वासना हृदय दे न जाए। सब कुछ त्याग कर दिया, पर त्यागी कहलाने की आशा का त्याग नहीं हो पाया। तो बहुत कठिन है इसको, तो फिर क्या करे? हम कहते आशा बहुत बुरी है, कष्ट देने वाली है, तो क्या हम निराश हो जाए? क्या हम जीवन कैसे बिताए, हमारी लाइफस्टाइल कैसे हो? हम हताश बन करके, भाई किसी से आशा नहीं है तो इतने डिप्रेस हो जाए। आजकल का यही रोग है, व्यक्ति अवसाद ग्रस्त, परिवार वाले कोई साथ नहीं दे रहे, डिप्रेशन ही नहीं, अब तो वो सुसाइड भी, आत्महत्या जैसी भी घटना, इतना घोर निराशा में पहुंच गया। तो क्या हमारा शास्त्र हमें कह रहा है कि हमें आशा नहीं रखना चाहिए, तो क्या हम निराश हो के जीवन जिए? नहीं नहीं, सनातन धर्म का चिंतन ऐसा नहीं है। उनका आशा है, आशा रहेगी, वो मिटेगी नहीं, पर इसको एक रूप देना है आशा को। यही पॉजिटिव थिंकिंग, किस तरह से जीवन जीने की कला हमें रामचरितमानस सिखा देती। आशा सबके हृदय में है, वो मिटने वाली नहीं, भले कितनी आप निंदा करें। तो फिर वो आशा है, संसार से हम रखते हैं, वो निराशा ही मिलती है, तो क्या करे? तो गोस्वामी जी ने प्रभु से प्रार्थना की, उनका एक भरोसो एक बल एक आश विश्वास, स्वाति सलिल रघुवंश मणि चातक तुलसीदास। प्रभु अगर आशा है तो आप ही से हो, भरोसा रखे तो आप ही से रखे, क्योंकि समाज में तो देखते बार बार किसी पे भरोसा रखते, बार बार धोखा होता है। पार्टनरशिप जहां पर व्यापार है तो तुरंत ही पार्टनरशिप टूट गई, जिस पर विश्वास किया उसने धोखा दे दिया, विश्वासघात कर दिया। तो यही तो समाज में अनुभव है। गोस्वामी जी ने कहा अगर ये सारी वृत्ति है, पर किससे जोड़ दे? उनका ईश्वर से जोड़ दे। और उसमें लाभ क्या है? उनका संसार के जितने भी नाते हैं वो सभी धोखा दे सकते हैं, पर एकमात्र ईश्वर ही ऐसा है जो कभी धोखा नहीं देगा। तालियां बड़ी कमजोर है, विश्वास नहीं है क्या आप लोगों को? और तब ये तो ईश्वर की बात हुई, पर समस्या क्या है कि मान लीजिए वो वृत्ति आपकी प्रबल नहीं हो पाई, अब आशा आपकी पूरी नहीं हुई तो आपको दुख हुआ, दुख होना भी स्वाभाविक। पर दूसरा व्यक्ति वो है जो दुखी होके चुपचाप बैठ जाता है, और एक व्यक्ति ऐसा है जिसके हृदय में प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है कि उन्होंने, अच्छा उसने मेरे साथ ऐसा किया, अब मैं उसका बदला दिखा लेकर दिखा दूंगा। अब शत्रुता का भाव आपके अंदर, आपकी आशा पूरी नहीं होने पर आपके मन में विरोध की वृत्ति, उस व्यक्ति को कष्ट देने की वृत्ति, कैसे उनको हानि पहुंचाए, ये वृत्ति जब आपके मन में आ जाए तो समझ लेना कि ताड़ का रूपी दुराशा जीवित हो गई। ये है ताड़का, दुराशा की वृत्ति, ऐसी प्रतिक्रिया कि हम अगले व्यक्ति से बदला और विरोध लेने के लिए तुल जाए। और विचित्र बात, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते ताड़का जहां पर होगी तो दो पुत्रों को जन्म अवश्य देगी। देखिए ये रामचरितमानस दर्पण है, और इस दर्पण में हमें किसका दर्शन हो रहा है? अपना ही दर्शन हो रहा है। जब हम ताड़का को देख रहे हैं और व्याख्या कर रहे हैं, तो कृपया कथा का दुरुपयोग ये ना करें, घर जाके कहे कि हाँ मेरी सास पक्की ताड़का है, तो अन्याय हो जाएगा। ताड़का को खोजना है तो हमारे भीतर खोजना है कि कहीं हमारे अंदर ये वृत्ति तो नहीं है, विरोध और बैर भाव की वृत्ति। क्योंकि विश्वामित्र जी ने अनुभव किया कि जो है विमर्श की वृत्ति, पहले ब्रह्मर्षि
जो है कहलाने की आशा वहां से शुरू हुई, उसके पहले कामधेनु नंदिनी की आशा, ये सारी एक के बाद एक प्रतिक्रिया, उस पर कभी वो विजय प्राप्त ही नहीं कर पाए। और दुराशा दो पुत्रों को जन्म देती है, सुबाहु और मारीच। ये कौन है? वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सुबाहु दुख का प्रतीक है और मारीच दोष का प्रतीक है। तो जहां दुराशा होगी वहां दुख अवश्य होगा, दोष अवश्य आएंगे। ये त्रेता की कहानी है कि हमारे जीवन की कहानी है? मानस हमारे जीवन की कहानी है ना, सहमत है कि नहीं? ये व्याख्या जो युग तुलसी ने दी है। तो भगवान ने क्या किया कि सुबाहु को जला दिया, दुख को प्रभु ने पावकास्त्र से नष्ट कर दिया, और दोष रूपी मारीच का जला नहीं दिया। प्रभु ने मारीच को 100 योजन दूर फेंक दिया बिना फल के बाण से कि मैं तुम्हारा भी सदुपयोग करूंगा। दोष को दूर कर दिया, दुख को जला दिया और ताड़का का एक ही बाण से वध कर दिया। ये जो विश्वामित्र जी के यज्ञ में बाधक वृत्तियां, राक्षसी वृत्तियां थी, ये हमारे सबके अंतःकरण में ये विकार, ये चाहे वो रोग रूप में हो चाहे वो राक्षस रूप में हो, विद्यमान है। भगवान श्री राम की कृपा से उनका यज्ञ पूर्ण हुआ, इन राक्षसों पर विजय प्राप्त की प्रभु ने, और उसके बाद अगली यात्रा जब प्रारंभ होती है तो सामने दूसरी नारी पात्र आती है अहिल्या के रूप में। ये अहिल्या कौन है? और वो पाषाणी क्यों हो गई है? हमारे जीवन में ये अहिल्या की कथा किस तरह से जुड़ती है, और आज वर्तमान संदर्भों में विशेष रूप से जहां इतनी प्रगति विकास की प्रतिस्पर्धा हो रही है, ऐसे समय में ये अहिल्या की कथा हम सब के लिए परम उपादेय है। इसलिए इस प्रसंग का चुनाव जो कुछ लोगों की मांग से मैंने किया है, अभी क्योंकि समय अधिक हो गया है, आप सबके प्रति बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करते हुए सबके चरणों में बार बार नमन प्रणाम करती हूँ। प्रातःकालीन प्रार्थना में जो भी आना चाहते हैं हमारे श्री राजीव जी अग्रवाल के निवास पर, वह एग्मोर विला रानी घाट पर, सुबह 9 से 11 आप लोग जो अनुष्ठान अभिषेक सुंदरकांड का पाठ इत्यादि प्रार्थना आरती मंगल होता है उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं। और अभी जो साहित्य सद साहित्य आया हुआ है उसमें नाम महिमा नाम का जो प्रसंग है, साधु चरित नाम का जो प्रसंग है, भक्तों का हृदय नाम के जो दिव्य ग्रंथ है उपलब्ध है, मानस मुक्तावली के चारों खंड है, इस प्रसंग की व्याख्या आपको उसमें मिलेगी। महाराज श्री का अद्भुत चिंतन है, उसका आप लाभ वर्ष भर ले सकते हैं। कुछ लोगों ने तो मुझे यही कहा कि दीदी माँ 2 वर्ष तक हम लोगों को कथा नहीं मिली, तब ये महाराज श्री का सत साहित्य ही हमारा पाथेय हुआ और उसी से हमें रक्षा मिली और कोरोना से लड़ने की ताकत मिली। तो ऐसा दिव्य चिंतन आप सबको उपलब्ध है। सबके चरणों में बार बार नमन करते हुए भगवान के नाम का जय घोष। और जिन लोगों तक सूचना नहीं पहुंची है तो आप अवश्य उन लोगों को भी ये कथा में सम्मिलित होने का, और युवा पीढ़ी को विशेष रूप से जो आजकल के आधुनिक प्रणाली से पढ़े हुए हैं, किस तरह से ये कथाएं आज भी परम प्रासंगिक है, वही उद्देश्य है युग तुलसी की व्याख्या का, कि हमारे नवयुवक जो हमारे राष्ट्र के भावी जो है सदस्य है, वो सब को का जीवन कैसे समुन्नत हो, इन कथाओं से हम कैसे लाभान्वित हो सके, और इस प्रतिस्पर्धा में विश्व में इस होड़ में हम कैसे जो है आगे बढ़ सके, तो इस उद्देश्य से ये कथा का आयोजन किया जा रहा है। बोलिए सियावर राम
रामचंद्र भगवान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। बोलिए भारत माता की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। सब आप कर अब आप कर रहे हो मेरा नाम हो रहा है। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। हर चीज मिल रही है। बिन मांगे ही सबको हर चीज मिल रही है। अब क्या बताऊं गुरुवर, अब क्या बताऊं गुरुवर, आराम हो रहा है। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। सब आप कर रहे हो, सब आप कर रहे हो मेरा नाम हो रहा है। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। दयालु भला ऐसा कौन होगा। तेरे जैसा दयालु भला ऐसा कौन होगा। थामा है तेरा दामन, थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। सब आप कर रहे हो, सब आप कर रहे हो मेरा नाम हो रहा है। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है।
डगर पे मुझको दिया सहारा, तुमने डगर डगर पे मुझको दिया सहारा। हाँ हाँ तुमने डगर 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 पे तुमने डगर डगर पे तुमने डगर डगर पे मुझको दिया सहारा। मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा, मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। एहसान पे तेरा ये एहसान पे तेरा ये एहसान हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। सब आप कर रहे हो, सब आप कर रहे हो, मेरा नाम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। किसी की मुझको परवाह भी नहीं है, और अब किसी की मुझको परवाह भी नहीं है। तेरी बदौलतों से, तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। सब आप कर रहे हो, सब आप कर रहे हो, मेरा नाम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। बनके आए जब मैं मना सुदामा, तुम कृष्ण बनके आए जब मैं बना सुदामा। तेरी ही ये कृपा है, तेरी ही ये कृपा है जो सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। सब आप कर रहे हो, सब आप कर रहे हो, मेरा नाम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।